नमस्कार, आर्यन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ चाशनी में बनी हुई सेवई बिना दूध के। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। चाशनी की सेवई बनाने के लिए, बिना दूध की सेवई बनाने के लिए, चीनी या आप स्वाद के अनुसार चीनी लीजिएगा। हमने इस कटोरी से नाप करके, पूरी भरी नहीं है, पौन कटोरी चीनी ली है। और इसमें हमने दो कटोरी, इसी कटोरी से नाप करके दो कटोरी पानी कराए, उसको अच्छी तरह से हमने उबाल लिया है। ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, बस हमें इतनी रहने देनी है। देखिए पतली है, हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हमने लिया है ड्राई फ्रूट, उसमें हमने लिए हैं 8 से 10 बादाम, उसको हमने काट लिया है। हमने बारीक नहीं काटे, मोटे काटे हैं। काजू हैं, 25 से 30 काजू है, उसको हमने थोड़े थोड़े काटे हैं, पूरे नहीं काटे हैं। हमने लिया है पिस्ता, 25 से 30 पिस्ता है, उसको भी हमने दो भागों में कर लिया है, उसको बारीक नहीं काटा है हमने। आप अपनी इच्छा के अनुसार मेवा ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे कम कर सकते हैं या और चाहिए तो आप और ले सकते हैं। हमने लिया आधी कटोरी देसी घी, इसमें हम डाल देंगे मेवा, गर्म कर लिया है हमने घी। अब इनको भून लेंगे सबको हम। मेवा भून चुकी है, हम गैस बंद कर देंगे और निकाल लेंगे इनको। तो हम लेंगे सेवई, सेवई लिए इसको हम भून लेंगे, उसी घी में डाल देंगे इसको हम। इसको हम इस प्रकार से भूनेंगे, दोनों हाथ से पकड़ करके, और इसको ऐसे भूनेंगे हम। गैस को हम धीमा रखेंगे, तेज गैस पे जल जाएगी नहीं तो। सेवई भुन चुकी है अच्छी तरह से, इसमें जो घी बचा है उसको निकालेंगे नहीं हम। इसमें हम डाल देंगे अब चाशनी, अब इसको हम इसी में ही बनाएंगे, चाशनी में ही। हमने थोड़े से केसर के धागे पानी में भिगो के रख दिए थे, देखिए कितना रंग अच्छा हो गया इसका, उसको डाल देंगे हम। अब इसको हम ढक देंगे। आपको इसे धीमी गैस पे ही पकानी है, हमारी सेवई अच्छी तरह से गल जानी चाहिए, उसके लिए चाशनी हमने बिल्कुल पतली करी थी। पतली चाशनी में ही अच्छी तरह से सेवैयाँ गलेंगी, चाशनी अगर गाढ़ी हो जाएगी तो सेवई नहीं गलेगी। गलने के बाद में फिर हमें उसको पकाएंगे और थोड़ा सा। हमने लिया है आधी कटोरी खोया, खोया हमने भुना हुआ है, इसमें हम खोया डाल देंगे। इसमें हम ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर थोड़ा सा। सेवई हमारी बन गई है, हम गैस बंद कर देंगे। तैयार है हमारी, देखिए चाशनी में बनी हुई सेवई बहुत ही अच्छी बनी है।
इसमें हमने दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा है, ईद के लिए या रक्षाबंधन के लिए। अब बनाइए इस सेवई को, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। आपको हम अगली वीडियो दूध की सेवई बना के दिखाएंगे।